जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। टाइगर 3 में कैटरीना के एक्शन को क्लास अपार्ट बनाने के लिए मेकर्स ने क्या इंतजामात किए हैं? टाइगर जिंदा है में कैटरीना के एक्शन पार्ट को किस परफेक्शन से डिजाइन किया गया था और इंडिया में फीमेल एक्शन को बूस्ट करने में कैटरीना कैफ का कितना योगदान रहा है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। टाइगर फ्रेंचाइजी के फैंस जितना सलमान खान के एक्शन को देखना पसंद करते हैं, उतनी ही बेसब्री से लीडिंग लेडी कैटरीना कैफ को भी तोड़फोड़ करते हुए देखना चाहते हैं। इस फ्रेंचाइजी में दोनों ही स्पेशल फोर्सेस के एजेंट है और अपनी अपनी कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्रूशियल मिशन को अंजाम देते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि फीमेल लीड को भी डिजायर्ड स्क्रीन स्पेस मिल पाए। इस मामले में टाइगर फ्रेंचाइजी से तो फैंस की कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट हमें दोनों ही सुपरस्टार्स अपने एक्शन स्किल्स को फ्लॉन्ट करते हुए दिखे हैं और इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट में इस तोड़फोड़ एक्शन के सिलसिले को मेकर्स ने एक लेवल और ऊपर ले जाने की सोची है। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कैटरीना कैफ के एक्शन एस्पेक्ट की ही बात करेंगे और जानेंगे टाइगर 3 में कैसे ये ताबड़तोड़ एक्शन के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। कैटरीना कैफ अपनी सिजलिंग डांस मूव्स और कमाल स्क्रीन प्रेजेंस से फैंस को तो कब से दीवाना बनाई हुई है, लेकिन इसी के साथ इन्होंने अपने आर्मर में एक ऐसा स्किल भी ऐड ऑन कर लिया है जो कि काफी कम एक्ट्रेसेस की बस की बात है और वो है एक्शन सीन्स परफॉर्म करने की एबिलिटी। अपने इस स्किल पर मास्टरी लाने के लिए टाइगर 3 में इनकी हेल्प करेगा एक स्पेशल साउथ कोरियन मार्शल आर्ट क्रू। ये क्रू स्पेशलाइज्ड है स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स में, जो कि कैटरीना को किकबॉक्सिंग और कॉम्बैट स्किल सिखाएगा। टाइगर 3 के मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म का एक्शन वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, इसीलिए वो कैटरीना और सलमान दोनों को ही फिजिकली एक्शन रेडी होने के लिए इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि इसी के चलते कैटरीना कैफ का स्केड्यूल काफी चौक ब्लॉक टाइप हो गया है। अपनी फोन बूथ की शूट से फारिग होके पहले वो अपनी पर्सनल ट्रेनर यास्मीन कराची वाला से फिटनेस सेशन लेती है, फिर इसके तुरंत बाद साउथ कोरियन मार्शल आर्ट ग्रुप से स्पेशल ट्रेनिंग में हाजिर होती है। इनकी इसी डेडिकेशन और ट्रेनिंग का नतीजा जरूर ही टाइगर 3 की सक्सेस में क्रूशियल पार्ट निभाने वाला है। टाइगर के सीक्वल में भी इन्हें काफी इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंस दिए गए थे, जहां पैलेस में कॉम्बैट सीन तो बिल्कुल गूज बम्स देने के लिए ही डिजाइंड था। अपने ग्लैम लुक से 360 डिग्री टर्न लेके जिस तरह कैटरीना डेडली फाइट में इन्वॉल्व होती हैं, ये सबसे बड़ा सरप्राइज रहा था। टाइगर जिंदा है में ये कॉम्बैट सीन समवेयर मिडल में होता है, जहां कैट का कैरेक्टर जोया टेररिस्ट हॉस्पिटल में लेडीज को छुड़वाने के लिए अपने जबरदस्त एक्शन स्किल्स दिखाती है। इस कॉम्बैट सीन में कैट अकेले ही टेररिस्ट से भिड़ती हुई दिखती है। फिर क्या 1-to-1 कॉम्बैट और क्या गन फायर, एक एक सीन में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इवन इनके और मेल टेररिस्ट के 1-to-1 फिस्ट फाइट को भी काफी कमाल तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है और इसके लिए भी कैटरीना ने रिगरस ट्रेनिंग ली थी। साथ में नूरन सिस्टर्स का सॉन्ग इस कॉम्पैक्ट सीन में डिजायर्ड इम्पैक्ट बखूबी ले आता है। जहां तक इंडियन फिल्म्स में फीमेल एक्शन की बात है, तो इसका झंडा काफी हद तक कैटरीना कैफ के हाथों में ही है, जो कि टाइगर सीरीज में अपने एक्शन कोशेंट से इसे काफी लेवल अप करती जा रही है। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी मैक्सिमम फिल्म्स में कमाल का एक्शन करके फीमेल एक्शन स्टार्स की एक नई निच ही बना दी है। बात करें टाइगर 3 में इनके एक्शन को लेकर, तो टाइगर 2 जैसा ही इम्पैक्टफुल एक्शन सीक्वेंस की काफी जरूरत रहेगी। अब देखना बाकी है कि फॉरेन से आया मार्शल आर्ट क्रू एक्शन के मामले में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाएगा इनमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।